हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अज्ञात लोगों ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय में की ब्लास्टिंग। रेवदा तहसील के ग्राम पंचायत नागाणी के भेदापादर गांव की घटना। ब्लास्टिंग से विद्यालय की छत नीचे गिरी और दीवारों में आई दरारें। घटना स्थल पर कोई जनानी नहीं। ग्राम पंचायत नागाणी के भेदापादर ठाणी में बने राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन को रविवार को सुबह करीब 6 बजे अज्ञात लोगों ने विस्फोट पदार्थ से ब्लास्ट कर दिया। पंचायत मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर बने भवन में हुए विस्फोट की आवाज पंचायत मुख्यालय तक सुनाई दी। विद्यालय के समीप बने कृषि कुएं पर निवासरत लोगों ने विद्यालय में हुई ब्लास्टिंग की जानकारी नागाणी सरपंच को दी। सरपंच भारती देवी मेघवाल ने घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों से हुई घटना को लेकर जानकारी ली। सरपंच ने विद्यालय में हुए विस्फोट की जानकारी पुलिस थाना अनादरा को दी। ब्लास्टिंग से विद्यालय की छत भी धनाशायी होकर छत का मलबा नीचे गिर गया और दीवारों में भी बड़ी बड़ी दरारें देखी गई। विद्यालय के पास रह रहे ग्रामीणों ने बताया कि भेदापत्रा के आसपास कई माइनिंग है जहां पर प्रतिदिन ब्लास्ट होता रहता है, मगर आज इतना जोर से ब्लास्ट होने से आसपास रह रहे लोगों के घर के बर्तन नीचे गिर गए। विद्यालय में हुई ब्लास्टिंग की जानकारी मिलते ही अनादरा पुलिस थाने से हेड कांस्टेबल गणेश राम में पुलिस जाप्ता मौका स्थल पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली। मैं इधर से सुबह 6 बजे डेयरी पे जा रहा था, तब ये रास्ते से निकल रहा था जब ये एक लाल मोटरसाइकिल इधर खड़ा था हेडपम्प के पास में, और दो जने दीवार के चिपके हुए दो जने देखे हुए हैं। ये ब्लास्ट कितने बजे हुआ? ये साढ़े छः बजे हुआ है। 6:30 बजे इतना जोर से हुआ, दूरी पड़ते कम से कम 2-2.5 किलोमीटर, उसके आवाज आया। देखा कि ये आड़े बाड़े मैन से जो इधर होगा भाई, यहाँ पे मैन ज्यादा वजह से सब गिराने के 6:30 बजे हुआ। कैसे पता लगा कि ये एकदम ब्लास्ट हो गया? तो बच्चा जो आने जाने के बच्चे को ढीण ढोर लेने आते थे के, उसे देखा, देख के किया कि ये बिल्डिंग पड़ा है, पत्थरा पड़ा है। सुबह सुबह बच्चे को सारे बच्चे बात किया, उसने सोचना मिला ना जैसे ये आड़े पड़ोसी आपने देखा कि हकीकत ये प्लान हुआ। जागरूक टीवी के लिए रेवदा से विक्रम कुमार की रिपोर्ट।